क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में हो गया बड़ा कारनामा। दोस्तों IPL 2022 का मेगा ऑक्शन आज दोपहर 12 बजे से तूफानी तरीके से चल रहा था, जहां सभी बड़े खिलाड़ी बिक चुके थे। शुरू के 10 मार के खिलाड़ी सोल्ड हो चुके थे। ऐसे में से टाटा IPL के मेगा ऑक्शन में एक ऐसा कारनामा हुआ जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों शुरुआत में जब 12 बजे IPL 2022 का मेगा ऑक्शन शुरू हुआ, तब लगभग वो अच्छा चल रहा था। कई खिलाड़ी आए, बिके, महंगे रुपए में बिके। ऐसे में IPL के ऑक्शनर ने काफी अच्छा ऑक्शन कराया शुरू के 10 मार के खिलाड़ियों का। लेकिन यह तो सिर्फ IPL 2022 की मेगा ऑक्शन की शुरुआत थी। अभी बैटिंग की लिस्ट आनी थी, गेंदबाजों की लिस्ट आनी थी और वो उनका ऑक्शन शुरू होने वाला था, जब तक बड़े बड़े खिलाड़ी बिक चुके थे। ऐसे में ये कारनामा हुआ दूसरी लिस्ट में, जहां ब्रेक के बाद वापस से IPL 2022 का मेगा ऑक्शन शुरू हुआ। दोस्तों IPL के ऑक्शन की बोली लगा रहे थे प्लेयर्स की, उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों इसी ऑक्शन के पीछे ये जो ऑक्शनर आप देख रहे हैं, जो ऑक्शन करा रहे हैं टाटा IPL 2022 का, ये अचानक सामने गिर गए। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसे ही गिरे तब सभी फ्रेंचाइज के ओनर उठकर घबराने लगे कि ये अचानक क्या हो गया है, यहां वो लेटे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे ही वो अचानक गिरे तभी पूरे हॉल में अचानक खलबली उठी। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी काफी ज्यादा हैरान होती हुई नजर आई। ऐसे में ये देखिए तस्वीरें हॉल की, जहां सभी लोग घबरा उठे ऑक्शनर के गिरते ही। सभी को लगा कि अचानक ये क्या हो गया है। ऐसे में सभी लोग उनको देखने के लिए पहुंचे, तभी इमीडिएटली मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, तभी उनको उठाया गया। मेडिकल टीम ने उनका फिटनेस टेस्ट किया और वापस उन्हें ले गए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, सूत्रों से ये पता चल रहा है कि वो फिजिकली गिरे हैं, उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते वो बीमार हो या फिर उन्हें कोई बीमारी हो। ऐसे में टाइम आ रहा है 3:30 से 4 बजे तक का, तब तक वो ठीक होंगे, थोड़ा सा वो रेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद वो वापस से ऑक्शन शुरू करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि 3:30 बजे या फिर 4 बजे तक वापस से ये ऑक्शनर आएंगे और अच्छी हालत में आएंगे। दोस्तों पूरे कारनामे पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।